हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती टेस्ट जोन। ये मेरा तीसरा वीडियो है सीरीज ऑफ नेजदोर्फ वेरिएशन। नेजदोर्फ वेरिएशन में हमने बिशप E3 वेरिएशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो बिशप E3 में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 8 मूव में वाइट क्वीन F3 खेल रहा था। आज हम देखेंगे 8 मूव F3 वेरिएशन, ओनली F3, लाइक E4, C5, नाइट F3, D6, D4, CD4, नाइट D4, नाइट F6, नाइट C3, A6 और बिशप E3। बिशप E3 में मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ खेलना है E5। नाइट F3 के बारे में मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। नाइट B3 में हमने दूसरे वीडियो में देखा है, और ये थर्ड वीडियो है जहाँ पे नाइट F3 के बाद ब्लैक रिप्लाई क्या देता है। दोस्तों, नाइट B3 में बिशप E6 ये आपकी पैटर्न मूव है, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसके बाद व्हाइट ने क्वीन F3 खेला था। आज हम देखेंगे क्वीन F3 के बजाय F3 वेरिएशन। F3 में आपको क्या करना है ब्लैक से, यहां तुरंत आपको H5 F3 और H5 ये कॉम्बिनेशन खास ध्यान रखना, क्योंकि किंग साइड का डायगोनल ओपन हो गया है तो आप अर्ली अटैक कर सकते हो। H5 के बाद व्हाइट खेलता है क्वीन D2। व्हाइट का प्लानिंग है लॉन्ग कैसल का, यहां पे Nbd7 और व्हाइट A4। ये एक बेस्ट मूव है दोनों प्लेयर को कंफ्यूज करने वाले मूव। मतलब ब्लैक को लगता है कि वो लॉन्ग कैसल करेगा, लेकिन A4 करने के बाद अब ब्लैक का जो थिंकिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज होगा कि यहाँ पे ब्लैक व्हाइट लॉन्ग कैसल करेगा या नहीं, कंफ्यूजन। तो बिशप E7 ये हमारा रिप्लाई होगा इसके सामने, सिंपल डेवलपमेंट। अब यहाँ दोनों साइड कैसल शॉट का प्लानिंग हो सकता है। व्हाइट खेलेगा बिशप E2 और यहाँ क्वीन C7। ज्यादातर सी फाइल ओपन होती है तो ब्लैक को ट्राई करना चाहिए सी फाइल पे ही खेलने का। तो क्वीन C7, रुक C8 वगैरह वगैरह आपके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव होते हैं इसमें। क्वीन C7 के बाद व्हाइट सपोज कैसल करता है, ये नेचुरल मूव है, यहां ब्लैक भी शॉर्ट कैसल करेगा। यहां कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है अगर आपका H5 पॉन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कोई अटैक ब्लैक साइड अर्ली नहीं आएगा। तो शॉर्ट कैसल के बाद रुक Fd1, यहां पे व्हाइट चाहेगा डी फाइल में खेलने के, क्योंकि उसको हाफ ओपन फाइल डी फाइल मिल रही है और ब्लैक का ये जो D6 वाला पॉन है वो थोड़ा सा वीक दिख रहा है, तो वीकनेस पे अटैक करने का आइडिया होता है यहां पे। Rfd1, उसके बाद रुक Fd8, ये रिप्लाई होना चाहिए आपका, क्वीन की लाइन में रुक ला के एक्सरे अटैक कन्वर्ट करना। व्हाइट खेलेगा A5। अब व्हाइट का आइडिया है नाइट A4 या नाइट A2 देन नाइट B4, बहुत सारे आइडियाज इसमें व्हाइट के हैं। A5 के बाद यहां आप B5, ये सबसे बेस्ट मूव है B5। दोस्तों, यहां तक आपकी ओपनिंग खत्म हो जाती है। अब आपको वीडियो पुश करके सोचना है कि यहां पे पॉन सैक्रिफाइस क्यों किया है, ब्लैक ने पॉन सैक्रिफाइस क्यों किया है। देखते हैं Ax b6 एंड पासन नाइट क्रॉस b6, उसके बाद रुक क्रॉस A6, यहाँ पे ए फाइल वाला पॉन ब्लैक ने सेक्रीफाइस किया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो रुक क्रॉस A6 के बाद ब्लैक खेलेगा रुक टेक्स A6, बिशप टेक्स A6 और उसके बाद D5। अब यहाँ पे ब्लैक हैज प्लेंटी कंपेंसेशन, बहुत सारा कंपेंसेशन है ब्लैक के पास एक पॉन सेक्रीफाइस करने के लिए। तो ये गेम
ब्लैक की फेवर में हो जाएगी एक पॉन देने के बाद, क्योंकि सेंटर ब्लैक के कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट रेट है d4 की, तो ये कंपलसरी कैप्चर करना पड़ेगा वाइट को। और कैप्चर के बाद नाइट टेक्स नाइट फॉर्क, और आफ्टर नाइट टेक्स नाइट देन रुक टेक्स नाइट, एंड ब्लैक कैन ऑल्सो कैप्चर बाय बिशप टेक्स नाइट एंड कन्वर्ट डिस्कवर थ्रेट। तो ये पोजीशन रहती है ब्लैक की, एक पॉन सेक्रीफाइस के बाद ब्लैक को एडवांटेज है इसमें। तो आप ऐसे भी खेल सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन सिसिलियन नेसडॉर्फ खेलने में आपको सेक्रीफाइस वाले मूव ज्यादा सोचने हैं। दोस्तों इसी गेम में इसी पोजीशन में एक लॉन्ग कैसल वाला आइडिया वाली गेम में आपको दिखाता हूं। e4 c5 Nf3 d6 d4 पॉन टेक्स पॉन नाइट टेक्स पॉन देन नाइट f6 नाइट c3 a6 एंड बिशप e3 e5 नाइट b3 बिशप e6 देन f3। ये इससे पहले वाली गेम में सेम यही पोजीशन है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग लॉन्ग कैसल का। इसमें ब्लैक ने h5 खेला है और h5 जरूरी है, वाइट ने क्वीन d2 किया है और नाइट pd7, लेकिन यहाँ पे वाइट ने a4 नहीं खेला है, डायरेक्ट लॉन्ग कैसल किया है। तो लॉन्ग कैसल अब कितना इफेक्टिव है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ब्लैक प्लेड बिशप e7, ये गेम है खेली हुई, और ओपनिंग में क्या चेंजेस होता है और चेंजिंग के बाद गेम में क्या बदलाव आता है ये मैं दिखाता हूँ। वाइट ने यहाँ खेला था किंग b1 और ब्लैक ने b5 अर्ली अटैक स्टार्ट कर दिया था, जो मैंने पहले भी बताया था कि जब लॉन्ग कैसल होता है तुरंत b5 अटैक करना चाहिए। वाइट ने यहाँ पे खेला था g3, g3 के बाद ये g3 का 12th मूव। आप वीडियो पुश करके मुझे एक मूव बताइए कि व्हाइट ने यहाँ पे g3 क्यों किया है, आप सोच के मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। 12th मूव में g3 करने का मेन रीजन है कि डार्क स्क्वायर कंट्रोल करना है व्हाइट को, और बिशप ओपन हो रहा है यहाँ से, दो दो रीजन है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। ब्लैक ने रिप्लाई दिया था इस गेम में रुक सी एट, ये नेचुरल मूव है क्योंकि सी फाइल में खेलना नेसडॉर्फ में बहुत ही अच्छा है। और वाइट ने रिप्लाई दिया था ए थ्री के बाद नाइट b6 ब्लैक प्लेड क्वीन f2। यहाँ पे वाइट ने नाइट के ऊपर डबल अटैक किया था, तो प्रेशर बढ़ाया है। क्वीन f2 के बाद यहाँ एक और क्वेश्चन दिया है बुक में कि आपको सोचना है कि क्यों कैसे ब्लैक इस क्वीन f2 मूव का एडवांटेज इसमें ले सकता है। ब्लैक वाइट ने क्वीन d2 से रिमूव होके f2 खेला, तो क्वीन d2 उसको रहने देना था, लेकिन यहाँ से क्वीन f2 पे गई तो उसका फायदा ब्लैक कैसे ले सकता है। यहाँ पे ब्लैक मतलब नाइट को थ्रेट भी है, तो सिंपल नाइट c4 सबसे बेस्ट मूव है, नाइट c4। अब नाइट c4 में बिशप टेक c4 होता है, तो यहाँ पे b×c4 और ये बी फाइल ब्लैक के लिए ओपन हो जाएगी, नाइट को हटना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ पे एक थ्रेट है बिशप b6, वाइट ने खेला था bb6 क्वीन d7 और उसके बाद नाइट c5। अब सेक्रीफाइस तो नहीं है क्योंकि पॉन टेक्स नाइट मारने में रूक टेक्स क्वीन थ्रेट में है। नाइट c5 के रिप्लाई में ब्लैक ने दिया था रिप्लाई क्वीन c6 नाइट into e6 f×e6 और बिशप a5, ये बेस्ट मूव कहा जाता है, एक्सक्लामेशन मार्क है इसमें। ब्लैक ने यहाँ शॉर्ट कैसल किया, बहुत देर बाद कैसलिंग किया क्योंकि ब्लैक को सब कुछ डेवलप करना था। शॉर्ट कैसल के बाद क्वीन e2
व्हाइट ने खेला था, रुक B8, किंग A1, रुक F E8, व्हाइट प्लेड G4, रुक B7। अब यहां पे बैटरी बनाने का आइडिया है, G5, व्हाइट ने नाइट पे अटैक किया, नाइट D7, ये एक नेचुरल मूव है, सिंपल नाइट डिफेंड और किंग साइड अटैक की ओर प्रस्थान किया है। F4, व्हाइट ने अटैक कंटिन्यू रखा है, Re B8, यहां पे डबल किया रुक को, क्वीन इंटू H5 सेक्रीफाइस, ब्लैक ने पॉन सेक्रीफाइस किया है क्योंकि ब्लैक को अटैक मिल रहा है, क्वीन C5 थ्रेटन ऑन A3, उसके बाद Qh3 व्हाइट ने किया है क्वीन टेक्स E6 की थ्रेट, ब्लैक ने रिप्लाई दिया है नाइट F8 से और पॉन को डिफेंड किया, बिशप B4, यहां पे रूक टेक्स B4, सिंपल मूव है, सेक्रीफाइस भी है लेकिन अटैक करने के लिए जरूरी है, क्वीन टेक्स B4 और रुक B1 चेकमेट सेव कर ली है, मेट की थ्रेट थी, और यहां पे E क्रॉस F4 ब्लैक ने खेला है, रुक HG1 व्हाइट भी अटैक कंटिन्यू रखता है, क्वीन A5 चेक, नाइट A2, बिशप क्रॉस G5, बिशप क्रॉस G5 एक ट्रैप बनाया है रुक को डाइवर्ट करने के लिए, क्वीन C3 और उसके बाद क्वीन टेक C3, नाइट टेक C3, देन बिशप F6, बिशप F6 के बाद रुक B F1, बिशप टेक C3, B टेक C3, देन E5, पॉन प्रोटेक्शन। अब आप देख सकते हो कि 6 पॉन वर्सेस 4 पॉन कंपेंसेशन है पॉन के बदले, व्हाइट के पास एक्स्ट्रा मटेरियल है एक्सचेंज अप 2 रूप वर्सेस रूप और नाइट, लेकिन 2 पॉन का जो कंपेंसेशन है और भी एक कंपेंसेशन है, व्हाइट का एक पॉन आइसोलेटेड है और यहां डबल पॉन है और ये भी आइसोलेटेड है, मतलब विदाउट पॉन व्हाइट इज प्लेइंग। तो इसके बाद गेम में क्या हुआ, B क्रॉस C3 E5 रुक D1 रुक B6, यहां पे व्हाइट ने खेला था रुक D1 और ब्लैक ने रिप्लाई दिया था रुक D6 से प्रोटेक्शन करने के लिए, और उसके बाद रुक D5 बैटरी बनाने का ट्राई है, किंग F7, उसके बाद रुक GD1 प्रेशर बनाया और यहां पे किंग E7 नेचुरल मूव है, रुक G1 फिर से काउंटर अटैक किया व्हाइट ने क्योंकि अब ऑलरेडी 2 सपोर्ट हो चुके हैं, तो नाइट E6 से सपोर्ट दे दिया और नाइट डेवलप भी हो गया, H4 व्हाइट ने खेला है H4, रुक B8 अब जरूरत नहीं है सपोर्ट की, और रुक A5 वीकनेस, और यहां पे नाइट C5 नाइट से सपोर्ट, रुक इंटू G7, किंग F6, रुक G1, नाइट क्रॉस E4 और सेंटर पॉन मिल गया है, रुक क्रॉस A6, व्हाइट प्लेड F3, रुक C6, F2 और यहां पे व्हाइट ने रिजाइन कर दिया क्योंकि कुछ मुंह के बाद सिंपल विनिंग है ब्लैक की हाथ।
तो दोस्तों ये बेस्ट गेम थी, कई बार आप एक्सचेंज सेक्रीफाइस करके गेम जीत सकते हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में और भी हम देखेंगे बिशप E3 वेरिएशन के बारे में, कौन से वाइट के चेंजिंग है। ये पूरा बिशप E3 वेरिएशन आप क्लियर कर लो, पूरा पक्का कर लो कि हर एक मूव के बाद आपके पास रिप्लाई होना चाहिए। इतने रिप्लाई रेडी करने के बाद आप ओपनिंग में एकदम पावरफुल हो जाओगे कि कोई भी आपको जल्दी हरा नहीं पाएगा और आपको फाइट देने में भी उसे बहुत दिक्कत होगी। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय गुजरात।